सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। भाई यार अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हम अपने फाइल मैनेजर में से किसी भी वीडियो को गलती से डिलीट कर देते हैं और ऐसे में क्या सोचते हैं कि जो हमारा गलती से डिलीट हुआ वाला वीडियो है वो रिकवर हो जाए। और ऐसे में क्या होता है कि प्ले स्टोर पर हम सर्च करते हैं तो कई सारी एप्लीकेशन हैं जो यह दावा करती हैं कि भाई यार हम आपकी वीडियो जो गलती से डिलीट हुई है उसे रिकवर कर लेंगे। तो क्या यार ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये सच में हमारी वीडियो को रिकवर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं ना, यह तभी आप जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और स्किप करके तो बिल्कुल हिम्मत देखिए, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे और फिर आप यही बोलेंगे। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ सर्च बार में सर्च करते हैं रिकवर डिलीटेड वीडियोस। तो चलिए हम लिख देते हैं, लिखने के बाद में आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं रिकवर डिलीटेड वीडियोस पर क्लिक करके सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद में अब हमें यहाँ पर सारा एप्लीकेशन हो रहा है, इसमें से दो एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। चलिए जिसका 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इसको क्लिक करके हम ओपन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद में दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसका रेटिंग जो है डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस है। तो चलिए ये एप्लीकेशन को हम ओपन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको तब तक इंस्टॉल हो जाने देते हैं, इंस्टॉल होने के बाद में आपको हम दिखाते हैं। A few moments later. चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो को डिलीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक वीडियो को हम ओपन करते हैं। चलिए जैसा कि ये कैमरा का वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करके रखा है, तो सबसे पहले हम इन तीन वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में आप बैक में आ जाते हैं। बैक आने के बाद में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं। इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में देखते हैं हमें क्या इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। तो चलिए गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अलाउ मांग रहा है तो यहाँ पर अलाउ कर देते हैं फाइल्स को करने के लिए। तो इसके बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर योर डेटा, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब भाई हमने तो वीडियो डिलीट किया है अभी, तो सबसे पहले हमें डिलीटेड वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए डिलीटेड वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करके स्टार्ट द्वीप स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये भाई कौन कौन सी वीडियो जो है वो स्कैन कर रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्कैनिंग फिनिश्ड 1105 फाइल्स फाउंड। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ 74 वीडियोस फाउंड किया है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या वीडियोस फाउंड किया है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब हम देखते हैं हमने जो वीडियो डिलीट किया है क्या वह सही में रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। रिकवर वीडियोस का यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए ये जैसा कि देख सकते हैं हम स्क्रॉल करके आपको दिखाते जा रहे हैं। तो यार जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो भी वीडियो डिलीट किया था वो वीडियो यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है। हमारे जो फाइल्स में ये वीडियो मौजूद है, ये जो सो रहा है ना, ये हमारे फाइल्स में ये वीडियो मौजूद है तभी ये सो रहा है, और जो हमने अभी वीडियो डिलीट किया है वो वीडियो तो सो ही नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने देख लिया, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं, क्या उसमें रिकवर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। डंपस्टर एप्लीकेशन का नाम है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ रहा है द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। तो चलिए इसको भी हम ओपन हो जाने देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और ट्राई लिमिटेड वर्जन के लिए ट्रिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए अलाउ के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% फ्री फॉर रिकवर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रिसाइकल बिन का ये ऑप्शन है, ये वीडियोज़ का ऑप्शन है, तो ऑडियोज़ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर सेटिंग से पर क्लिक करते हैं। तो यार ये वाला एप्लीकेशन देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ऐसा ऑप्शन ले रहा है, तो यार ये बहुत देर तक लेता है यार। ड्वीप स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वीडियोज़ का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सारे वीडियोस हो रहे हैं जो हमारे गैलरी में है, जो कि मौजूद है यार। और इसके बाद में कोई भी वीडियो ऐसा नहीं सो हो रहा है
कि जिससे कि मैंने जो वीडियो अभी डिलीट किया वो वाला वीडियो तो एकदम ही नहीं सो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब जो रिकवर डिलीटेड वीडियोस वाला ऐप है ना, ये सब बिल्कुल ही फेक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारा जो वीडियो गलती से डिलीट हो जाता है क्या वह रिकवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।